वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टी हब। आज मैं एक पुराने मेरे पॉट्स हैं उनको डेकोरेट करूँगी या उनको रेनोवेट करूँगी या बोलेंगे तो उनको ब्यूटीफाई करेंगे। तो इनको सबको धो के पहले साफ़ कर लेंगे। तो ये एक पर मैं ब्लैक कर रही हूँ पेंट, इसी तरह से मैं एक पर डार्क ग्रीन और एक में ऑरेंज, तीन पॉट्स हैं, तीनों को इसी तरह से पेंट कर लेंगे। पेंट करके सुखा देंगे। सुखा के जब एक तरह से अभी अपना बेस तैयार हो गया है, अब इस पर कुछ भी डिज़ाइन बनाना है तो ये सबसे आसान और जल्दी होने वाला तरीका है। तो इसमें पेंट डालेंगे, ये देखिए मैंने एक टब लिया है, ये टब इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें जिस पॉट को हमें उस वर्क करना है जिस पर, उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा, डेढ़ा करीब होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जिससे वो अच्छे से उसमें डिप हो सके। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे और उसमें अपनी चॉइस का कोई भी जो कलर, जो अपन बेस कलर है उससे कंट्रास्ट कलर लेंगे, दो तीन जो भी है। जैसे मैंने ब्लैक लिया है, ब्लैक में येलो है, रेड है, वाइट है, सब अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से कंट्रास्ट कलर लेंगे तो डिज़ाइंस बनेंगी तो अच्छी दिखेंगी। तो इसको लेके अपने हिसाब से फैला लेते हैं। जैसे मैंने डाला है उसको किसी भी डिज़ाइन में, जैसे एक रोल वर्ल जैसा एक होता है उस तरह से, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी डाला है उसको थोड़ा फैला लेना चाहिए, एक जगह इकट्ठा ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा रहेगा तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा और बनने के बाद फिर वो फैलेगा या ओवरलैप होगा या टपकेगा। तो इसलिए उसका जो भी कलर डालते हैं उसका अच्छे से स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है, एक जगह इकट्ठा सा ना रहे। अब ये देखिए इस तरह बन गया। अब ये देखिए एक मिनट का काम है बस, और बनने के बाद बहुत सुंदर तैयार होता है। ये देखिए तैयार हो गया। अब ये दूसरा पॉट बना रही हूँ तो उसमें मैंने अलग तरह से कलर लिए हैं। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में लिए हैं, उसमें फैला के जो लाइंस टाइप पूरा इस तरह से आ रहा था, इसमें छोटे 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 ड्रॉप्स आएंगे, इस तरह से आएंगे। इस तरह से मैंने इसको डाल के अरेंज करने की कोशिश की है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं जैसा चाहें। अब ये देखिए ये ब्लैक लिया है, वो मैंने डार्क ग्रीन वाला बनाया था, अब ये ब्लैक है। तो बस एक लिया पूरा, हाथ मेरा घुमा नहीं पूरा। ये देखिए इसमें वजन रहता है, ये सीमेंटेड पॉट्स हैं तो वेट वाले। ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है, बनने के बाद इतना सुंदर लगा है, ये बहुत ही सुंदर तैयार हो गया एकदम। ये देखिए पूरा पॉट। तो इस तरह से दो पॉट हो गए, एक पॉट और करती हूँ मैं। तो उसमें ये देखिए जैसे मैं पानी डाला है, मैंने इसमें चेंज किया है, एक दो तीन लगातार नहीं करेंगे आप, अगर करेंगे तो फिर वो पानी ख़राब हो जाएगा, जो चाहेंगे वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगी, कुछ और या कुछ जैसा भी बन जाएगा। इसलिए आप एक या दो करने के बाद उसका पानी ज़रूर चेंज कर लें, जिससे काम थोड़ा थोड़ा सफाई आती है डिज़ाइन बनने में। ये सीधा सीधा अलग तरह से करना है, एक तरह से इसमें बड़ा बड़ा आएगा पूरा। ये ऑरेंज पे करूँगी इसलिए मैंने ज़्यादा ग्रीन लिया है इसमें। तो इसमें बहुत अच्छा बनेगा, ये कुछ अलग तरह से, ये मार्बल जैसे डिज़ाइन आएगी, जैसे इटालियन मार्बल टाइप रहता है जो शेडेड। ये देखिए तीनों बनके तैयार हो गए। आप अपने घर पर अवश्य बनाएं। यदि आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप ज़रूर इसको देखें और बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।